स्टार ऐसे एक्टर हैं जो कि साउथ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो अब सुपरस्टार बन चुके हैं। और वहीं केजीएफ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अब तक के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने बाहुबली और ट्रिपल आर जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे कर दिया है। वहीं दोस्तों 100 करोड़ में बनी केजीएफ फिल्म ने वर्ल्ड वाइज 1200 करोड़ से भी ज्यादा कमाई कर चुकी है। और अब केजीएफ के फैंस बड़ी बेसब्री से फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों मेकर्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि केजीएफ चैप्टर 3 पर बहुत ही जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। और यश ने भी अपने इवेंट पर केजीएफ चैप्टर 3 पर खुलकर बात की है और इन्होंने बताया कि इस फिल्म में केजीएफ और केजीएफ 2 से भी ज्यादा धमाकेदार एक्शन होने वाला है। तो दोस्तों प्रशांत नील के इस फिल्म की स्टोरी में एक्शन और वीएफएक्स को फैंस ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और रॉकी की कहानी भी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। और अब काफी कुछ बचा है रॉकी की कहानी में, जो कि केजीएफ चैप्टर 3 में काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। और वहीं रॉकी स्टार यश ने बताया कि मैंने और केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील ने तीसरे पार्ट के लिए काफी कुछ प्लान किया है और वो सब हम आपको फिल्म के तीसरे पार्ट में दिखाएंगे, जो दूसरे पार्ट में नहीं दिखा पाए। वहीं कुछ मीडिया की रिपोर्ट माने तो खबर ऐसी आ रही है कि बॉलीवुड के हैंडसम सुपरस्टार ऋतिक रोशन फिल्म में रॉकी के साथ नजर आ सकते हैं और इनके अलावा रवीना टंडन, प्रकाश राज और प्रभास का भी अहम रोल देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों इस फिल्म के रिलीज की कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है, लेकिन बहुत ही जल्द आप सभी को केजीएफ चैप्टर 3 का ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों साउथ और बॉलीवुड के दोनों एक्शन सुपरस्टार को एक साथ देखने के लिए आप सब कितना एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों केजीएफ से जुड़ी सभी अपडेट को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।